हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ा। मतलब ये जो चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन का जो पार्ट है उसका भी एक थर्ड सेक्शन आ रहा है। पहले हमने जो प्रिपरेशन पढ़ी थी उसमें जो भी रिएक्शंस थे दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। उसमें से हम अल्कोहल से बना सकते हैं, नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल जो था वहां से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल है वहां से कीटोन बनता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हैलोजन फैमिली जो है उसमें से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जेमिनल लेना पड़ेगा, वो पानी निकल जाता है वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद एल्कीन से भी बनाया था, दैट इज ऑसमोलिसिस, उसमें आपको मिक्सचर मिलता है, दोनों एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं, वन एल्डिहाइड वन कीटोन भी मिल सकता है। तो एक जो रिएक्शंस थे दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। उसके बाद हमने HCl लिया था, वो एल्डिहाइड देता है ग्रिग्नार्ड के साथ, और RCl जो है वो कीटोन देता है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ये सारे रिएक्शन हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो रिएक्शन हमने पढ़े दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। तो उसके लिए सीरीज में जो पीछे जो मेंबर होते हैं डेरिवेटिव ज्यादा करके, जैसे रोजेनवाल्ड रिएक्शन था रिडक्शन, उसमें हमने RCOCl लिया था, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड ही देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टीफन जो है वो नाइट्राइल में से हमें एल्डिहाइड देता है, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट था सिलेक्टिव दैट इज डिबाल एच, एंड डिबाल एच कन्वर्ट CN ग्रुप इनटू CHO ग्रुप। तो ये भी रिएक्शन पढ़ा था रोजेनवाल्ड और स्टीफन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो वो सारे रिएक्शंस जो वो एल्डिहाइड के लिए थे। उसके बाद हमने एरोमेटिक कुछ लिए थे, बेंजीन से बनाया था गेटरमैन कोच, उसमें बेंजीन के ऊपर हम डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लाते हैं। उसके बाद टॉल्विन लिया था, टॉल्विन में जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है CrO3, दूसरा एक था CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, ये सब वीक है, और वीक क्या करेंगे, टॉल्विन को बेंजाल्डिहाइड तक रोक देंगे, उसको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन में ले जाएंगे, अदरवाइज बेंजोइक एसिड बन जाता है यदि आपने स्ट्रॉन्ग यूज किया तो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आगे के लेक्चर पर डिस्कस कर दिए। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओनली फॉर कीटोन, उसमें से कुछ रिएक्शंस आपने 11th में भी पढ़े हैं, वो एसिटोफिनोल बनाया था हमने इलेक्ट्रोफिलिक से, वो सब पता है। पहले कुछ नए रिएक्शन देख लेते हैं, ओके। सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम R2Cl एंड SiO2 क्लोराइड, ये तो लेना ही है, लेकिन R2Cl मतलब डाई R मतलब अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम, ओके। तो सबसे पहले हमें R2Cl बनाना है, तो R2Cl कहां से बनता है, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड मतलब R MgX, इसके 2 मोल्स आपको लेने हैं, ओके, और साथ में CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो उससे क्या बनेगा, देखो इन दोनों के बीच में पहले रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड, तो यहां से हमारा Cd आ गया, ये रहा Cd, ओके, और यहां से हमें 2 R मिलेंगे, ग्रिग्नार्ड के 2 मोल्स हैं, तो एक प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा जो रिएजेंट है R2Cl और ग्रिग्नार्ड 2 MgXCl निकल जाएगा, ठीक है। चलो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन R2Cl, ये आपने पहले बना लिया, हम डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड से कर सकते हैं रिएक्शन में, पहले R2Cl बनाना पड़ता है। तो R2Cl अब रिएक्ट होगा SiO क्लोराइड के साथ, मतलब कोई भी ले लेते हैं CH3CO Cl, लेकिन इसके 2 मोल्स आपको लेने हैं एसिटाइल क्लोराइड के 2 मोल्स, प्लस अब मैं R2Cl ले रहा हूं, R2Cl R कोई भी ले लो, जैसे इथाइल मैंने यूज किया,
CH3 CH2 R2, और यहां पे लिख दिया मैंने CH, ठीक है। अब क्या होगा, तो सिंपल ये जो कैडमियम है ये दो Cl को लेके निकल जाएगा, दैट इज CbCl2 कैडमियम क्लोराइड, और ये CbCl2 बाद में आप यहां पे यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ R2C2। ओके, अब कैडमियम जो यहां पे था वो कैडमियम दो Cl को लेके निकल जाएगा। अब हमारे पास Cl की जगह कौन आएगा, इथाइल ग्रुप आया है वो भी 2, तो यहां पे 2 मोल्स आपको मिलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड वो एज इट इज, और दोनों इथाइल अटैच हो जाएंगे, मतलब 2 मोल्स उसके मिलेंगे CH2 CH3, तो ये कीटोन आपका होगा। एक है वो कीटोन, एक बार देख लो इथाइल दो थे ना, आगे टू लिख दिया हमने, दो आगे CH3 C ऑलरेडी दो थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेक्सटबुक में रिएक्शन दिया है R2C3। अब इसमें से कौन सा कीटोन आपको चाहिए वो आर पे डिपेंड करता है, ए आर आप चेंज कर सकते हो क्लियर, और ए भी आप चेंज कर सकते हो, क्लासिफाइड क्लोराइड और आर इसका जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से आपको कीटोन मिलेगा। तो इसमें दो कार्बन थे, यहाँ भी दो कार्बन है, मतलब 4 कार्बन वाला कीटोन आपको मिलेगा, और CO ग्रुप कहाँ पे आएगा उसकी जो पोजिशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट जो है उसका एक फोटो ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, फोटो ले लो, बाद में दूसरा रिएक्शन जो हमने आगे पढ़ा था लिग्नर्ड वो आगे हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम सेपरेट पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल RCl, फ्रॉम नाइट्राइल, ओके, लेते हैं फॉर एग्जांपल RCl मतलब CH3CN, नाइट्रोजन डेल्टा माइनस और कार्बन डेल्टा प्लस, और इसका रिएक्शन भी लिग्नर्ड के साथ चल रहा है, दैट इज CH3MgBr सपोज, लिग्नर्ड में ए बॉन्ड ब्रेक कर दो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव के पास आएगा और पॉजिटिव में वो नेगेटिव के पास आएगा, सो फाइनली वी हैव CH3C, ट्रिपल बॉन्ड की जगह अब यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एन हो जाएगा माइनस, और कार्बन जो है पॉजिटिव है उसके साथ मिथाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा, दैट इज CH3, और एन माइनस के साथ MgBr, Mg का चार्ज प्लस 2 है, Br का माइनस 1 है, दिस इज इंटरमीडिएट, और मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है, दैट इज H2O H+, और यहां से हमें कीटोन मिलता है CH3, यहां भी CH3 डबल बॉन्ड O, और बाय प्रोडक्ट इसमें एक अमोनिया मिलती है और साथ में MgOHBr और साथ में अमोनिया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एसीटोन, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा था। ओके, तो इस बेस पे हम कीटोन बना सकते हैं, यहाँ पे आप बेंजीन की रिंग भी ले सकते हो ऐसा ग्रिग्नार्ड, जैसे यहाँ पे मैंने C6H5MgBr लिया फॉर एग्जांपल, तो मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन से मिलेगी वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो डायरेक्ट मुझे रिएक्शन चाहिए डायरेक्ट, वो भी हम लिख सकते हैं CH3C, यहाँ पे ये जो नीचे कार्बन है वहां पे C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड दैट इज C6H5COCH3, दिस इज एसीटोफिनोल, तो एसीटोफिनोल भी हम बना सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन था नाइट्राइल से, ये हमने आगे पढ़ा था आरडीआई और कीटोन दोनों में, लेकिन आरडीआई बनाना है तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी HCl लेना पड़ेगा instead of CH3CN, तो अभी ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो कीटोन के लिए लिख रहे हैं, और इसीलिए मैंने नाइट्राइल से बनाया है ऑर्गेनिक का मैटर CH3CN, HCl है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है इसीलिए उसको हम अलग रखेंगे। ओके, तो दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल, तो ये दो रिएक्शन आपके लिए मैं है, आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपने 11th में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, नाइट्राइल
हाइड्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो यहाँ पे मैं एसाइलेशन जो है वो यूज करने जा रहा हूँ। तो बेंजीन का एसाइलेशन होने वाला है, वहां से आपको एसीटोफिनोल मिलेगा, एसीटोफिनोल। ओके, तो सबसे पहले थर्ड वन दैट इज एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है उसमें सबसे पहले आपको रिएक्शन लेना है बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन करना है CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो इससे क्या होगा, पूरा मैकेनिज्म मैं भी नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे आपका फ्रीडनक्राफ्ट एजेंट जो यूज होता है दैट इज AlCl3, एंड फाइनली वी हैव द मेन प्रोडक्ट दैट इज एसीटोफिनोल COCH3 एसीटोफिनोल। यदि आपने बेंजीन के साथ आपने C6H5COCl लिया दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, तो उससे आपको बेंजोफिनोल मिलेगा। बेंजोफिनोल मींस बेंजीन के ही यहां पे C डबल बॉन्ड को और यहां पे C6H5 दैट इज बेंजोफिनोल। तो इस बेस पे हम कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस जो है एसीटोफिनोल बेंजोफिनोल ये सब हमने 11th में पढ़े हैं, इसका बहुत सिंपल है। दूसरा एक रिएक्शन मैं आपको बता दूं दैट इज फ्राइस रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट में बहुत ही सिंपल रिएक्शन है फ्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, यहां पे OCOCH3 है, OCOCH3। तो इसका IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ से स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3COO और यहाँ पे C6H5 है। एक्चुअली इसका IUPAC होता है फिनाइल इथेनोएट, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसका IUPAC लिखते हैं OCOCH3 है। ओके, यहाँ पे आपने AlCl3 यूज किया तो रीअरेंजमेंट होती है ऑर्थो और पैरा से, जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के पास और COCH3 ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाता है। सो वी हैव मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर होता है दैट इज OH, यहाँ पे COCH3 प्लस एक पैरा पे आएगा OH और यहाँ पे COCH3, तो ऑर्थो और पैरा पे आपको मिलेगा दिस इज रीअरेंजमेंट। ये भी एक कीटोन ही है। आप बोल रहे सर ये किसका मेंबर है, एक्चुअली कीटोन का मेंबर है। OH के मेंबर में कीटोन जो है दैट इज अ हाईली रिएक्टिव। ओके, सो 2 हाइड्रोक्सी, इसका IUPAC होगा 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन मोनोल, यहां से 1 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, दो कार्बन है तो इथेन 1 ऑन। क्लियर, तो ये सारे रिएक्शंस को हमने पढ़े हैं, दिस इज एप्लीकेबल only for ketone। okay, तो textbook में कितने reactions आपको दिए हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे textbook में जो example है 12.1 और साथ में index question, उसके बारे में discuss करते हैं, तो पूरा जो topic है आपका वो clear हो जाएगा। तो सबके पास textbook है, उसमें example 12.1 जो है you have to just mention reagent, give names of the reagent to bring about the following transformation: hexane 1 or 2 hexanal। alcohol को aldehyde में convert करना है, तो agent आप strong use करोगे oxidizing या weak, तो यहाँ पे हमें agent use करना है weak oxidizing agent that is PCC। यदि आपने strong oxidizing agent use किया like KNO4 K2Cl2O7 then you have acid instead of aldehyde, क्योंकि aldehyde जो है वो acid में instant convert हो जाएगा। ठीक है, तो first में आएगा PCC, second cyclohexanol again alcohol to cyclohexanol, मतलब वो ketone है और वहां पे कोई issue वैसे तो नहीं है, फिर भी वहां पे आप CrO3 यहाँ पे लिखा है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आप यूज कर सकते हो वीक एजेंट।
दूसरा है पैराफ्लोरोटोल्विन को पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब CH3 ग्रुप है उसको CHO में लाना है। अगेन क्रोमाइन क्लोराइड, वहां भी आप स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज नहीं कर सकते वरना वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल में CN ग्रुप होता है और एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, तो CN को CHO में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू यूज सिलेक्टिव रिएजेंट दैट इज डीपॉल H, ओके। देन अल्कोहल टू प्रोपेनॉल, अगेन अल्कोहल टू प्रोपेनॉल मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC, एंड ब्यूट टू इन टू इथेनॉल मतलब अल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है दैट इज ओज़ोनोलिसिस, तो वहां पे ओज़ोनोलिसिस यूज कर सकते हैं, ओके। ये सारे रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कब कौन सा रिएजेंट हमें यूज करना है फॉर द प्रॉपर कन्वर्जन, क्लियर। चलो अब बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की, इंटेक्स क्योंकि 11-12 में सिंपल क्वेश्चंस थे, अब इंटेक्स में कंप्लीट द फॉलोइंग है इंटेक्स क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट है 12.2 में फर्स्ट वन बेंजीन दिया है, ओके, और बेंजीन के साथ है C2H5 COCl, दिस इज एसाइलेशन, और एजेंट भी दिया है AlCl3, तो प्रोडक्ट कौन से मिलेगी, तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा CH2CH3, ठीक है, और इसका IUPAC पता होना चाहिए 1, 2, 3, सो वन फिनाइल प्रोपेन वन ऑन, दिस इज IUPAC नेम। नाउ सेकंड प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है, सेकंड में लिखा है C6H5CH2 twice, मतलब R2CD, यस। देन टू मोल्स ऑफ CH3COCl, यस। ये कौन सा रिएक्शन है, एसआईएल क्लोराइड और R2CD, तो इसमें क्या करना है वो भी पता है, टू मोल्स मिलते हैं CH3C(OH), क्लियर। और यहां से CDCl को निकल गया था और एक पार्ट पीछे अटैच हो गया था, दैट इज CH2C6H5, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी, ओके। और इसका IUPAC आपको लिखना है, तो इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब CO यहां भी है तो 1, 2, 3 होगा, तो इसका IUPAC हो जाएगा हमारा 3 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, ओके। उसके बाद थर्ड जो दिया है दैट इज अल्काइन H3C C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर लिखा है Hg+2 इट मींस हाइड्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, हाइड्रेशन H+ है OH-, सो मार्को रूल अप्लाई होगा, मतलब H3C C यहाँ पे हो जाएगा OH, here double bond and then CH2, और इसमें होगा टोटोमेरिज्म में ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, it means H3C यहाँ पे double bond then CH3 कीटोन, ओके। तो इस वजह से आपको टोटोमेरिज्म मिलेगा, और लास्ट वन दैट इज फोर्थ वन, और फोर्थ में है टोल्विन, ये जो टोल्विन है CH3 टोल्विन, नीचे NO2 ग्रुप है और एजेंट है विक कौन CrO2Cl2 विक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एजेंट क्या करता है ये CH3 ग्रुप जो है CH3 ग्रुप इसको कन्वर्ट करता है CHO में, NO2 एज इट इज, ए प्रोडक्ट मिलेगी। यदि यहाँ पे CrO2Cl2 की जगह KNO4 लिखा है, K
KMnO4 लिखा है, so KMnO4 is a strong oxidizing agent, तो जो CHO ग्रुप है उसकी जगह पे C-OH हो जाएगा, okay, benzoic acid हो जाएगा। तो ये सारे questions जो थे वो ketone related थे और index, clear? तो preparation का part यहाँ पे complete हो रहा है। तीन lecture हमने set किए हैं, one for preparation of aldehyde and ketone both, second preparation of aldehyde only and third preparation of ketone only, और सारे lectures individual पे रखे हैं, इससे revision आपका easy हो जाएगा, ठीक है? तो सारे reaction को धीरे-धीरे आपको digest करने हैं, clear? और सारे chapter अब link हो रहे हैं, आगे आपने जो-जो पढ़ा था, उसका भी हम use कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपके सेट हो जाएंगे प्रैक्टिस से, ओके? और जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, फिर आपका ऑर्गेनिक इजी बन जाता है, ठीक है? और फिर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि चलो इसमें से ए बनाना है तो हमें ए रिएजेंट यूज करना है, ए रिएजेंट जो है ए ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, और हर एक लेक्चर में मैं ये रिवाइज करवाता रहूंगा, पुरानी चीजें हर बार में रिपीट करूंगा, जिससे आपके दिमाग में और ब्लड में ये सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, रिएक्शंस जो होते हैं वो दो बार तीन बार नोट्स में लिखने पड़ते हैं, तब जाके हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।